हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करते हैं मुगल आर्किटेक्चर के बारे में। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। मुगल डायनेस्टी 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद स्टेबलाइज हुई थी और बाबर के बाद हर एम्पायर ने मुगल आर्किटेक्चर के फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट ली। मुगल आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का टाइप है जो डेवलप की गई थी मुगल्स द्वारा 16th, 17th, 18th सेंचुरी में। अपने एम्पायर की एवर चेंजिंग एक्सटेंट मतलब बदलती सीमा के दौरान डेवलप की गई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। यह इंडिया में पहले के मुस्लिम डायनेस्टी की आर्किटेक्चरल स्टाइल और ईरानी और सेंट्रल एशिया आर्किटेक्चरल परंपरा, पर्टिकुलरली तिमुरिद आर्किटेक्चर, पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से तिमुरिद आर्किटेक्चर से डेवलप हुआ। अब पॉइंट वाइज सब मुगल आर्किटेक्चर को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ बाबर टू मुगल आर्किटेक्चर। बाबर केवल 1526 से लेकर 1530 तक पावर में था, इसलिए उन्होंने केवल दो बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करवाया जो है पानीपत में काबुली बाग में मस्जिद और जामा मस्जिद इन संभल क्लोज टू दिल्ली। उन्होंने चार बाग स्टाइल में भारत के सबसे पुराने मुगल गार्डन रामबाग को भी कंस्ट्रक्ट किया। फिर है मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग हुमायूस एरा। ही सक्सीडेड बाबर, वह बाबर का उत्तराधिकारी बना। हालांकि शेर शाह सूरी अपने पूरे रूल के लिए एक कॉन्टिन्यूस राइवल था, मतलब वो कॉम्पिटिटर था। उन्होंने दिन पन्हा शहर को बिल्ड करना शुरू किया लेकिन इसे कंप्लीट नहीं कर पाए। हुमायूं की मकबरा जिसे उनकी विधवा हमीदा बेगम द्वारा बनाया गया था और पर्शियन आर्किटेक्ट मिराक मिर्ज़ा गियास द्वारा डिज़ाइन किया गया था, मुगल आर्किटेक्चर का पहला सिग्निफिकेंट पीस था। इसे ताजमहल के फॉररनर्स में भी जाना जाता है, मतलब हुमायूं का मकबरा ताजमहल और दूसरे कंस्ट्रक्ट होने वाले बिल्डिंग को प्रेरित किया। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी सूर डायनेस्टी। उन्होंने फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड, पाकिस्तान में रोहतास किला, पटना में शेर शाह सूरी मस्जिद और दिल्ली में पुराने किले की किला ए कूना मस्जिद को भी कंस्ट्रक्ट किया। उनके रूल के दौरान मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर की स्टाइल ने लोधी स्टाइल को बदल दिया, रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ अकबर टू मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर में बड़े बड़े एडवांसमेंट हुए, बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए। अकबर के रूल के टाइम हुई शाह ने फतेहपुर सीकरी को मुगल का पहला प्लान्ड सिटी बनाया। बुलंद दरवाज़ा जिसको कंस्ट्रक्ट गुजराती रूलर्स पर अकबर की जीत को मार्क करने के लिए किया गया था। जामा मस्जिद, दीवाने आम और दीवाने खास, बिरबल का रेसिडेंस और संत सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। फिर है मुगल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग जहांगीर। मुगल आर्किटेक्चर के पेंटिंग्स ने प्रिंस के लिए स्पेशल फैसिनेशन मतलब चार्म अट्रैक्टिव रखा। उन्होंने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को पूरा किया और इतिमाद उद दौला मकबरे को क्रिएट किया जिसमें पूरी दुनिया के कुछ बेहतरीन पियत्र दूरा का नाम है। पियत्र दूरा मतलब कि पिक्टोरियल वर्क जो सेमी प्रीशियस स्टोन से बनाया जाता है। एडिशनली उन्होंने लाहौर में मोती मस्जिद और श्रीनगर के फेमस शालीमार बाग को कंस्ट्रक्ट किया। कंट्रीब्यूशन ऑफ शाहजहां टू मुगल आर्किटेक्चर। जैसा कि उन्होंने अपनी लेट वाइफ मुमताज महल के सम्मान में ताजमहल को कंस्ट्रक्ट किया, शाहजहां ने खुद को अमर कर लिया। उन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह उनके रूल के दौरान था
कि मुगल आर्किटेक्चर अपने पिनकल मतलब पीक पर पहुंच गई थी। उन्होंने दिल्ली के सातवें शहर शाहजहानाबाद का निर्माण किया जो आज के पुरानी दिल्ली के रूप में है। इन कॉन्ट्रास्ट टू हिज मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अपने एंसेस्टर के कॉन्ट्रास्ट जो रेड सैंडस्टोन को फेवर किए थे पर उन्होंने वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने दिल्ली में जामा मस्जिद, आगरा फोर्ट में मोती मस्जिद और लाहौर फोर्ट में शीश महल बनाने के लिए पियत्र दूरा और जटिल मिरर वर्क का भी स्किलफुली एकदम एक्सपर्ट तरीके से उपयोग किया। औरंगजेब कंट्रीब्यूशन टू मुगल आर्किटेक्चर। औरंगजेब स्प्लेंडर मतलब रिचनेस की तुलना में मोडेस्टी मतलब पोलाइटनेस को प्रिफर करते थे। जितनी मस्जिद का निर्माण किया गया था उससे कहीं अधिक मस्जिद की मरम्मत की गई थी। कई हिंदू टेंपल्स को औरंगजेब द्वारा डिमोलिश मतलब कोलैप्स किए जाने का भी दावा किया जाता है, का क्लेम किया जाता है। उनके लंबे रूल के दौरान कुछ फेमस एग्जांपल्स में उनकी पत्नी राबिया उद दौरानी के लिए औरंगाबाद में बीबी का मकबरा और लाल किले और दिल्ली में एक स्टनिंग मोती मस्जिद शामिल है। अब एज अ रिजल्ट मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल आमतौर पर औरंगजेब के रूल के अंडर सफर्ड थे। अंडर मुगल आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर के अंडर आर्चेस, छतरी और डोम के कई रूपों ने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में भारी पॉपुलरिटी हासिल की। कॉलोनियल आर्किटेक्चर की इंडो सरासेनिक स्टाइल इन विशेषता इन कैरेक्टरिस्टिक्स को और डिस्प्ले करती है क्योंकि इसका वाइडली यूज़ किया जाता था, मतलब हर जगह यूज़ किया जाता था इसका, खासकर नॉर्थ इंडिया में। स्टाइल्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर की इस पीरियड के दौरान पंजाब और राजस्थान रीजन्स में दो आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप की गई थी जिन्हें सिख और राजपूत स्टाइल के रूप में जाना जाता है, जिसमें फर्स्ट स्टाइल है सिख स्टाइल। मुगल आर्किटेक्चर का स्टाइल पर प्रभाव पड़ा क्योंकि यह पंजाब क्षेत्र में उभर के आया। छतरी और आर्चेस नोटिसिएबल थे, आई कैचिंग थे। डोम सिख आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनने के लिए इवॉल्व हुए मतलब ग्रो हुए। गोल्डन टेंपल जिसे अर्जन देव ने 1604 में इसकी कंस्ट्रक्शन फिनिश किया था, जो सिख कंस्ट्रक्शन का पिनकल है, मतलब उनका इम्पॉर्टेंट और सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन में से एक है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। सेकेंड है राजपूत स्टाइल। यह स्टाइल इस्लामी और रीजनल स्टाइल्स को जोड़ती है। उन्होंने शानदार महलों और किलों को कंस्ट्रक्ट किया। मुगल आर्किटेक्चर की राजपूत स्टाइल ने आर्चेस, कॉर्निस और हैंगिंग बालकोनीस का भी क्या किया, बहुत यूज़ किया। नेक्स्ट है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न आपको ना लिखना ही है एग्ज़ाम में, मतलब हर आंसर के बाद लिखना ही, उससे मार्क्स बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। मुगल एम्पायर ने आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर में इंडियन हिस्ट्री में बहुत कंट्रीब्यूट किया। मुगल ताजमहल और लाल किले सहित इंडियन हिस्ट्री की कुछ सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग, सबसे पॉपुलर बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया। मुगल्स ने एक अलग संस्कृति डेवलप की जो इंडियन, पर्शियन और इस्लामी परंपरा और इंडियन हिस्ट्री में उनके योगदान का मिक्सचर थी, ब्लेंड थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट पे बताएं कि और कौन से टॉपिक पर लेक्चर चाहिए।